सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए लगातार जिलों का दौरा कर रहे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सोमवार की संध्या अचानक समस्तीपुर पहुंचे। समस्तीपुर पहुंचने पर डीजीपी को सलामी दी गई, उसके बाद वरीय अधिकारियों व थाना अध्यक्षों के साथ मीटिंग किए। डीजीपी द्वारा की गई मीटिंग में एसपी डीएसपी समेत जिले के थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। डीजीपी पांडे जिले में क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी लिए। अपराध की भी समीक्षा की गई, इसके बारे में काफी बातें हुई, विधि व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। गुप्तेश्वर पांडे पुलिस पदाधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, जिले में सभी पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है, इसके लिए एसपी विकास वर्मन समेत पुलिस पदाधिकारियों को बधाई देने आए हैं। बहुत जल्द आप लोगों के सामने अच्छे नतीजे दिखाई देंगे। कुछ फर्क आएगा भाई, बोलिए पक्का। कितना दिन में फर्क दिखेगा? अभी से। वेरी गुड। हाँ कहाँ भाई? वेरी कमीशन भाई, लगाइए रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट दीजिए, फिर लोगों को दौड़ाइए, दौड़ाइए ना। क्या करते हैं आप? इतना पुराना हो गया, ऊपर नीचे करते हैं। अरे दशहरा बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दशहरा की तैयारी में घूम रहा हूँ। यहाँ के एसपी बहुत अच्छे हैं, आप जानते हैं, विकास वर्मन जी हैं, तो इनकी टीम को मैं बधाई देने आया था, अपने अफसरों को बधाई देने आया था कि इतने बढ़िया से मुहर्रम का त्यौहार इन्होंने निकाला है। तो मैं चाहता हूं इसी तरह से दशहरा का पर्व भी इसी तरह से बहुत शांति से निकले और बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल जैसे बना हुआ है वैसे ही आगे भी बना रहे। से आपने वादा लिया है कि परिवर्तन दिखेगा? परिवर्तन दिखेगा, मुझे पूरा विश्वास है, मेरे अधिकारियों ने बताया। क्या भाई बोलिए, परिवर्तन दिखेगा कि नहीं? इनसे बोलिए, दिखेगा, निश्चित दिखेगा। चलिए।